आपने देखी हाउसफुल 4? जी मैंने दो बार देखी, हाँ बहुत मज़ा आया. आई लव हाउसफुल एंड इट वॉज़ अ वेरी 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 फनी मूवी. और इतनी अच्छी मूवी थी, बिजनेस भी इतना अच्छा किया. एंड आई होप माई डैड्स एवरी मूवी इज़ बिगर एंड बेटर. आपके यहाँ आने से पहले आपके डैडी लाइक बहुत ही एक्साइटेड जी, वो हमेशा एक्साइटेड है. वो मीडिया वाले के बहुत फेवरेट जी, हैं, तो जी. कुछ कहना चाहेंगे? सब कुछ लाइक अरेंजमेंट उन्होंने किया. हाँ आई थिंक मेरे डैड ने मेरे हर बर्थडे को स्पेशल बनाया है, हर बर्थडे को सेलिब्रेट किया है. मैं दुनिया में कहाँ भी हूँ उन्होंने सेलिब्रेट करवाया मुझे बर्थडे, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ. क्योंकि आई थिंक मैं लाइफ में हमेशा इतनी खुश हूँ मेरे डैड की वजह से, क्योंकि वो कभी मुझे रोने नहीं देते, मुझे हमेशा खुशी रखते हैं. आज क्या कुछ प्लानिंग होने वाली है आपके बर्थडे की एंड हमारे इंडिया के साथ में? तो जी जी जी. आज का दिन कैसे जाने वाला है? मेरे पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि अगर आप अपने बर्थडे पे काम कर रहे हो तो पूरा साल आप काम करते ही रहोगे, तो मैं आज काम करने वाली हूँ मेरे बर्थडे पे. और आने वाले दिनों में लाइक जो भी डिसीजन लेती हैं आप कि हाँ ये मुझे फिल्म करनी है ये नहीं करनी, तो डैडी से भी आप थोड़ा बहुत बातें करती हैं या फिर कुछ? नहीं, वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपनी खुद की मिस्टेक्स बनाऊँ और मेरी खुद की जर्नी हो, तो वो ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते. तो कल रात मैं शूट कर रही थी, मैं नच बलिए के लिए शूट कर रही थी, और वहाँ मैं रवीना मैम के साथ थी और गोविंदा जी के साथ थी, और उन्होंने मुझे केक खिलाया, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. क्योंकि गोविंदा सर ने मेरे पापा के साथ इतने आइकॉनिक मूवीज़ किए हैं, तो ये मेरा पहला वर्किंग बर्थडे था, तो बहुत स्पेशल था मेरे लिए. और फिर जब मैं घर आई तो मेरे पूरे फैमिली ने डेकोरेट किया था, सब ने नोट्स लिखे हुए थे, बहुत सारा केक था, तो मुझे बहुत मज़ा आया. तो अमेरिका जा रही है जी जी जी. मैं एक्चुअली आज अमेरिका में होने वाली थी, पर मैं अभी काम कर रही हूँ. आज मेरे डांस रिहर्सल्स भी है, क्योंकि हम एक गाना शूट करने वाले हैं. और फिर मैं 7 तारीख को अमेरिका जाने वाली हूँ, और मैं सुहाना से भी मिलूंगी. थैंक यू सो मच. आज का सबसे पहला विश? एक्चुअली मैं कार्तिक के साथ शूट कर रही थी, तो उन्होंने ही मुझे पहले विश किया था. इसके अलावा यू नो आपकी मूवी आ रही है जी जी, क्या है स्टेटस, बताना चाहें? हमने पूरी पिक्चर कंप्लीट किया है, हम अभी डबिंग कर रहे हैं, और हम एक गाना भी शूट करने वाले हैं, और ट्रेलर बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत बहुत जल्दी. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. साल अगर हम बात करें आपके स्टूडेंट जी आई इस साल को कैसे देखती हैं जी, इस साल को कैसे देखती है? इसी साल आपने रेव्यू किया? हाँ आई थिंक ये मेरे लाइफ का बेस्ट ईयर था, क्योंकि मैं एक्चुअली एक्टर बन गई हूँ. मैं हमेशा एक्टर बनना चाहती थी, और फाइनली मैं बन गई हूँ, तो मैं काम कर रही हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ. और मैं आई होप कि एवरी ईयर आई एम वर्किंग सो मच ऑन माई बर्थडे एंड आई वर्क फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ एवरी बर्थडे. थैंक यू सो मच. इट इज़ ओवरवेलमिंग, बट बिकॉज आई एम सो यंग आई जस्ट आई एम गोइंग विद द फ्लो एंड आई एम एक्साइटेड अबाउट एवरी थिंग एंड आई एम एन्जॉइंग एवरी मोमेंट. आई फील सो फॉर्चुनेट दैट आई गेट टू वर्क ऑन माई बर्थडे एंड आई गेट टू स्पेंड माई बर्थडे विद ऑल ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच. सो मेनी पीपल, एज आई सेड आई वॉज वर्किंग विद कार्तिक, ही मैसेज मी, देन पुनीत, करण, सारा मैसेज मी, शनाया, सुहाना, ऑल माई फ्रेंड्स, एवरी वन मैसेज मी. एंड और आपके सारे फैंस भी आए हैं जी. ओ हम देख रहे हैं कि लाइक बहुत ही कम टाइम में बहुत ही पॉपुलैरिटी. हाँ सोशल मीडिया पर आप जो भी कुछ भी पोस्ट करती हैं जी, सारे लाइक्स कमेंट्स कैसे देखते हैं आप? क्योंकि कम टाइम में हम देखते हैं आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है. तो मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ. आई थिंक वो मेरे फैन से ज़्यादा मेरे दोस्त हैं. मैं हमेशा उनको रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ. बहुत सारी ग्रुप्स हैं जहाँ हम बात करते हैं, तो मैं बहुत 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 लकी हूँ. आई हैव डिसाइडेड दैट एवरी बर्थडे आई वॉन्ट टू वर्क. या इट्स अ गुड फीलिंग टू वर्क ऑन योर बर्थडे. या She's a very, very, very good actor. She's currently training in America, and whatever she wants to do in life, I'm sure she's going to be amazing. But she's a brilliant actor. Right. Yeah. And there's so much like competition happening among you guys. Do you feel with all so many young actors coming in? How do you see it? No, I love competition. I think it's a lot of fun, and everyone's actually friends. And I think it's good to be a little competitive. It keeps you going, and it keeps you motivated. Yeah. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for coming. Thank you so much. Thank you.